आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं बच्चों की एक बहुत ही फेवरेट डिश। बच्चों को कार्टून कैरेक्टर बहुत पसंद होते हैं और आज हम बहुत दिन बाद बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी डिश लेकर आए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं डोरा केक्स। डोरीमोन बच्चों को बहुत पसंद है और उसी के साथ साथ डोरा केक्स भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आइए बहुत ही स्वादिष्ट डोरा केक बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है ये आधा कप आटा। थोड़ा सा इसे हम हेल्दी करेंगे तो इसके लिए हम प्योर मैदा का यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम लेंगे ये आधा कप आटा और आधा कप लेंगे हम ये मैदा। दोनों को एक बड़े बाउल में हम मिक्स कर लेंगे। और आप आटे के भी बना सकते हैं, पूरा 1 कप आप आटा ले सकते हैं, आटे के भी आप डोरा डोरा केक्स बना सकते हैं। और मैदा के आपको बनाने हैं तो आप पूरी 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। यहाँ हमने दोनों चीज़ों को आधा आधा लिया है, यानी आधा कप मैदा और आधा कप आटा लिया है हमने। इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये आधा कप पिसी हुई चीनी। चीनी की मिठास को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे ये 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप ना भी डालें तो भी चलेगा, और मिल्क पाउडर की जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं जो मिल्क मेड के नाम से मार्केट में आता है। आप 1 बड़ा चम्मच वो भी डाल सकते हैं इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, जो नॉर्मली हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि ये सब आपस में मिक्स हो जाए। और अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है ये 1 कप के करीब दूध, और इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और दूध जो हमको लेना है वो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है, बॉईल किया हुआ दूध लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का। ना हमें ठंडा दूध का यूज़ करना है और ना ही हमें गरम या गुनगुने दूध का यूज़ करना है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। और इस तरीके से हम इसका घोल बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा दूध हमें और डालना है, बहुत थोड़ा सा दूध डालेंगे हम इसमें। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और ये जो दूध इसमें हमें लगा है, हमने 1 कप दूध लिया था लेकिन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगा है, पूरा 1 कप दूध हमने कंज्यूम इसमें नहीं किया क्योंकि हमें इतना ही बैटर चाहिए था। ये देखिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से चाहिए, ना बहुत पतली और ना ही बहुत गाढ़ी। ये इस तरीके से रिबन की तरीके से गिरना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद, और ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये डोरा केक्स बनाने के लिए ये बैटर बिल्कुल तैयार है। अब गैस पे हम रखेंगे फ्राई पैन। गैस को हमने ऑन कर लिया है और इस पे हमने 8 से 10 बूंद के करीब घी डाला है, देसी घी डाला है हमने। आप इसकी जगह ऑयल या बटर में भी इसको सेक सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये बैटर डालेंगे, और आंच को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। इस बैटर को हमें बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, ये अपने आप फैल जाएगा जब गर्म होगा। तो
अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए एक तरफ से बिल्कुल स्लो आंच पर पकाएंगे। तो इसे हम ढक देते हैं। इसे सिकते हुए लगभग 4 मिनट हो चुके हैं और इसको हम चेक करते हैं कि नीचे से सिका है या नहीं। नीचे से ऊपर वाली साइड से अच्छे से सिक गया है और जो नीचे वाली साइड है उसको हमें बिना ढक्कन लगाए इस तरीके से हल्के हाथ से दबा के सेकना है। दो से 3 मिनट के लिए इसे हम नीचे की तरफ से भी दबा दबा के हल्के हाथ से दबाएंगे और सेकेंगे। और ये देखिए कितना फ्लफी बना है और स्पॉन्जी बना है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सीख चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी सारे डोरा केक्स को हम इसी तरीके से सेकेंगे। तो ये लीजिए सारे डोरा केक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं और अब हम इसमें ये पीनट बटर फिल करेंगे बीच में। डोरा केक का हम बना रहे हैं हेल्दी वर्जन क्योंकि इसमें हमने डाला है आटा और ये हमने इसमें फिल किया है पीनट बटर और वो भी चॉकलेट फ्लेवर वाला और घर में बना हुआ। इस तरीके से हम सारे डोरा केक्स में ये पीनट बटर को फिल कर लेंगे इस तरीके से। तो ये लीजिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी डोरा केक बनकर तैयार हैं। तो इन्हें अपने बच्चों के लिए बनाएं और उन्हें खुश करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।